जाना है, तुझे जाना है हमें छोड़ के। तुझे ना ऐसी जो जिंदगी मिली है ना बेटा, है कहीं नहीं मिलेगी। छोड़ ना जाएगा, तू छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा। पारी जाए इधर, मम्मा के पास है मेरा बच्चा। वैसे मम्मा प्यार ही दे रही है तो आना नहीं है, फिर तू अपने आप ही हाथ मारे जाती है प्यार लेने के लिए। मेरा छोड़ बच्चा, कोई तो सपना आया कल ज्योति को जिसमें मिष्टी घर छोड़ के जा रही थी, मतलब जा नहीं रही थी, डिमांड कर रही थी, राइट? हाँ, कह रही मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे वैसे। मौसम तुम्हारा भी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है वैसे देखा जाए तो। मैं बोल रही हूँ एक ट्रिप प्लान कर ले कोको जल्दी से नेक्स्ट। पहले तू ना अपनी तबीयत ठीक कर ले अच्छे से ना, उसके बाद जाएंगे। तो योर प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ राइट नाउ। जब से आई है वहां से ट्रिप से हम लोग आए ना, तब से यही चल रहा है उसको, चल यही चल रहा है। जाना है मुझे, घूमना है मुझे, वाइल्ड होना है मुझे, लाइफ में कुछ एडवेंचर करना है। अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, डोंट वरी, तुम्हारे फेवरेट हॉस्पिटल जाएंगे। जल्दी बैग बैग करो मेरा, मुझे नहीं रहना घर में, मुझे दुनिया घूमना है। गोगो तभी ठीक कर ले बेटा पहले। भाई कल क्या क्या स्ट्रेन सपने आए, ज्योति को आया सपना इसका मिष्टी का घूमनी। अरे रुक जाओ, मेरे को सपना बताने दो अपना। तो मेरे को सपना जो आया है, मेरे को तो अलग ही सपना है। ज्योति का जो सपना था वो बता देता हूँ पहले। तो ज्योति के सपने में क्या हुआ, मिष्टी बोल रही है कि उसको घर छोड़ के जाना है, नाउ शी वॉन्ट्स टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। मैं उसको बोल रहा हूँ सपने में कि चल ठीक है, उसकी मर्जी, अगर वो ऐसा रहना चाहती है तो उसको भेज दो। तुम जानते नहीं हो बाहर दुनिया कितनी वो है, खराब है, वो कैसे रहेगी, वो चली भी गई। मेरा पॉइंट ये है कि अभी बोल रही है लेकिन जब बाहर चली जाएगी तो ये जब रियलाइज कर लेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से कंफर्म रियलाइज कर लेगी, तो ये रियलाइज कर लेगी तो फिर ये वापस कैसे आएगी। इसको तो एड्रेस भी नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर फाइनली वॉचमैन जो है, काफी लंबा सपना था, फाइनली वॉचमैन जो है यहाँ का, वो मुझे आइडिया देता है कि आप एक काम करो, इसके गले में पर्ची बांध दो, उस पे अपना नाम नंबर सब लिख दो, जब ये डिसाइड करेगी और कोई देखेगा इसे। वैसे भी तू इंडी है, इंडी को कुछ जल्दी जल्दी घर लेके नहीं जाता है, तो अपने आप तेरे को स्लिप पढ़ के वापस भेजेगा हमारे पास। तुझे कैसे अब ये इसी जगह एटम होता बंदा पर्ची फाड़ के अपने घर ले जाता। सही बात, तेरा तो कोई रिस्क ही नहीं है, तुझे तो भाई घर छोड़ के ही जाएंगे हमारे पास। पर नहीं जाना, एडम कह रहा है पप्पू मम्मा आई एम गोना बी विद यू, आई डोंट वांट टू टिल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना, नॉट हिज लाइफ, आवर लाइव्स। मेरे को क्या सपना है भाई, सोचो मेरे सपने में आया विक्की, अपना विक्की, अरे विक्की कटरीना वाला विक्की। लो घंटी बज गई, कूड़ा रखना भूल गया, कूड़े वाला आया कलेक्शन के लिए, दो मिनट देना मेरे को, आई जस्ट बी बैक विक्की के सपने के साथ। तो मेरे को सपना आया विक्की का भाई, विक्की कौन, अपना विक्की, विकैट वाला विक्की जिसकी भी शादी हुई, तो वो मुझे मिलता है रही सेस कि भाई मैं ना थोड़े दिन पे आपके पास रुकना चाह रहा हूँ। मैं कहा भाई हाँ रुक जा, मैं कहा क्यों, लेकिन कह रहा यार जब वो शादी वादी की प्रोसेशन के बाद ना पूरा इतने सारे लोगों से मेरा मिलना हुआ, इतने सारे लोगों से मेरा मिलना हुआ कि अब मैं थोड़ी देर ना अकेला रहना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और ये वो बहुत लोग आए जा रहे हैं मिलने के लिए, मैं थक गया हूँ मिल मिल के लोगों से। मैं कहा ठीक है भाई आ जा, रुक जा कर। भाई वो मेरे घर पर रुक जाता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह ना लोग उसको ढूंढ लेते हैं, 6-7 लोग उसको ढूंढ लेते हैं। इस पूरे सपने में ज्योति पता नहीं कहाँ थी, ज्योति तुम कहाँ थी जब विक्की आया था? मैं गई थी वहाँ, वो अपने उससे मिलने, उस टाइम पे क्या नाम है, मैं गई थी उससे, विनीत से मिलने अपने। अच्छा मुक्काबाज वाले से, नहीं तुम पता कहाँ थी, तुम नीचे गई थी मिष्टी को संभालने जब विक्की आया था। Anyways guys, we just woke up. What's up and welcome back to the channel. My name is Kamaljeet Rana. My name is Kamaljeet Rana. She's Jyoti Sethi. We just had our morning. I had coffee, Jyoti had tea. अब हम बस दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं. It's going to be a beautiful day. आज हमारे घर कोई गेस्ट आ रहा है दोस्तों. वो गेस्ट वो है जिससे अभी हम मिल के आए, जिसके घर हम अभी थोड़े दिन पहले गए थे और वो आज रात को यहाँ पर आ रहा है. अगर आप गेस्ट कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कौन आ रहा है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. किसी भी ट्रिप से वापस आने के बाद देयर इज वन थिंग दैट हैज टू बी डन, विच इज कार को वॉशिंग के लिए देना, अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से गाड़ी को साफ कराना. तो आज के दिन का सबसे पहला काम यही है कि मैं जा रहा हूँ गाड़ी को वॉश कराने के लिए, और इस गाड़ी के बाद मतलब क्रेटा के बाद मैं पुंटो को भी दे दूंगा वॉश करने के लिए. एंड प्लस आज बहुत टाइम बाद मैं रॉयल एनफील्ड को निकालूंगा यार, थोड़ी देर चलाऊंगा उसको, बिकॉज काफी टाइम से वो चली नहीं है. आई एम रियली मिसिंग दैट टाइम ना, जब मैं सुबह सुबह उठ के राइड भी चले जाता था. अभी बारिश का मौसम गया है, लेकिन अब बहुत अच्छा, सुबह तो बहुत ही ठंडी ठंडी टाइप मौसम होता है. तो आई थिंक अब सून आई एम गोइंग टू डू वन छोटा सा राइड, जैसे संडे राइड जाता था ना ब्रेकफास्ट करने के लिए अहूरा तक, वैसा ही कुछ सोच रहा हूँ करने के लिए. और हम लोग पहुंच गए हैं वॉशिंग एरिया में. बंद है क्या? अरे यार ऐसा ना हो, बस फोन करना पड़ेगा. 9137, अरे यार एक डिजिट नहीं दिख रही. 5-3 You have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. ऐसे कैसे बे? 9-1 नमस्कार,
आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। अपन जा व्यक्ति कॉल करीता हाथ व्यक्ति उत्तर देना ही। जैसा कि आपने देख ही लिया कि दोनों नंबर पे कॉल नहीं उठाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आज लगता है मुझे गाड़ी का काम नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, अभी आगे कैश निकालने जा रहा हूँ मैं, क्या पता तब तक ये लोग आ जाए, वापस लंच करने गए हो या थोड़ी देर रेस्ट करने गए हो। सो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं और कैश निकालते हैं, वापस आते हुए एक बार और चेक कर लूंगा। इतनी बड़ी बेवकूफी कोई कैसे कर सकता है मुझे ये बता दो कोई। मैं बड़े चौड़े में आप लोगों को बोल दिया कि ठीक है चलते हैं जब तक कैश निकाल लाते हैं। And the smart thing that I've done is I've not got my wallet. I only came with my phone because I thought कि यहाँ तो payment देनी होगी तो अपन Google Pay कर देंगे या Paytm कर देंगे। But ATM से cash निकालने के लिए तो card की जरूरत है ना बाबा। ओ अड़ी बाबा, अपन card तो घर पे छोड़ के आया। तो चलते हैं गाड़ी को वापस खड़ी करते हैं, ऊपर जाते हैं, wallet लेते हैं और bike से आएंगे अब हम। Bike भी चल जाएगी थोड़ी सी, काफी time से नहीं चलाई है, as I've told you already. Good morning guys, what's up? This is day 2 and look who we have with us, Manas. Hi. Manas पहुंचा है कल रात को तकरीबन 12 बजे पहुंचा ना तो? हाँ, 11:30 12. 11:30 12 o'clock Manas पहुंचा. He had a very long drive. वो थोड़ा 14 घंटे travel करके Manas पहुंच गया है. अब हमने दिन की शुरुआत की है बच्चों की walk से. So we have come for Atom and Misty's walk. मैंने कहा Manas चल तेरे को सुबह सुबह के थोड़े से सोसाइटी के नज़ारे दिखाता हूँ कि इतना शांत होता है इधर. क्यों हम यहाँ पे शिफ्ट हुए उसका कारण तो Manas तो बहुत खुश है हमारी ये सोसाइटी देख के। Manas बहुत अच्छा है, Manas पहले के कंपेयर में तो बहुत अच्छा है। पहले वहाँ पे जगह ही नहीं था, जगह ही नहीं थी बिल्कुल। यहाँ तक खुला खुला है, चारों तरफ ग्रीनरी है। ग्रीनरी कितनी है देख रहे हैं। नो मिस्टा, चलो कोई भाई उनको कुछ नहीं कहना, वो आप लोगों को कुछ नहीं कहते। चलिए आप इधर आइए दोनों। अबे मेरे को फंसा दिया, अबे रुको। हमेशा यही करते हैं, चलो आ जाओ। नहीं नहीं गुस्सा नहीं आइटम, गुस्सा नहीं, चलो 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 आ जाओ। एक्चुअली मैं अभी पिछले कुछ दिनों से ना वेदर बहुत प्लेजेंट हो रखा है, स्पेशली इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है सुबह सुबह, और हल्की हल्की सी ठंडी है तो मज़ा आ रहा है इन्जॉय कर रहे हैं वेदर को। सो आज का दिन बहुत देखते हैं हम क्या करेंगे, क्या प्लान करेंगे। एक चीज़ तो है जो एक्साइटिंग होने वाली है आज के दिन में, अगर हमने वो की सामान लेके आना जो बताया अभी बताया नहीं मैंने। हाँ अभी बताऊंगा इनको, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग में इनको पूछा था कि कौन सी मैं देखा देखा ना वो लोग। हाँ वही वही, चलो आ जाओ आ जाओ। अटू कम तो नाश्ता हो गया अपना डन, अब जो है मैं वेट कर रहा हूँ बस फिजियोथेरेपिस्ट आए। हेलो, अबे बाद में बात करता हूँ, रुक जा मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, रुक जा कर रहा हूँ कॉल बैक। कॉल लग गया क्या अपने आप, उठ गया होगा गलती से। हाँ फोन उठ गया अपने आप, प्रखर का फोन आ रहा था। एनीवेज तो मैं ये बता रहा था आपको कि हाँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट क्यों आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि मैं काफी टाइम से आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ चेस्ट पेन दैट इज हैपनिंग टू मी एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये क्या है। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गया था, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी नहीं है, जस्ट मसल स्ट्रेन दैट इज देयर। उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी, मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैं दूसरे जनरल फिजिशियन के पास गया, उन्होंने मुझको 10 डेज की पेन किलर भी लिख के दी, मायोस्पाज्म कर। 10 दिन की मेडिसिन से मुझे कोई फर्क नहीं हुआ, आराम मिला उन 10 दिन के लिए मुझे आराम मिला, लेकिन पूरी तरह से आराम मुझे नहीं मिला था। अब जब मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया तो उन्होंने जब एग्जामिन किया तो उन्होंने बताया कि मेरी चेस्ट में स्ट्रेस नॉट्स हो गए हैं। मतलब मैंने उनको बोला मुझे किस बात का स्ट्रेस है, कह रहा है कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी को भी स्ट्रेस होता है लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है। मे बी दैट्स द केस, एक नजरिया ये है देखने का। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि कभी कभी क्या होता है हम एक ही पार्ट ऑफ द मसल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो ओवर यूज की वजह से कभी कभी ये नॉट्स बन जाती है। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने बोला तीसरा कि जब हम एक ही पोस्चर में बैठते हैं तो नाउ माई एडिटिंग इज ऑन द फोन, ब्लॉगिंग का एडिटिंग सब फोन पे होता है, मोस्टली सारा काम फोन पे होता है, तो ये जो पोस्चर होता है इट इज वेरी बैड फॉर अस, कह रहे उससे भी हो सकता है। चौथा बैड स्लीपिंग हैबिट, बैड ईटिंग हैबिट। हाँ बीच में मेरी थोड़ी सी ईटिंग इधर उधर हो गई थी, पूरी तरह से मैंने खराब नहीं की थी, बस हाँ मैं डाइट नहीं कर रहा था। स्लीपिंग हैबिट, हाँ पिछले कुछ महीनों में मेरी थोड़ी नींद मुझे अजीब सी आ रही, कभी नहीं आ रही, ये हो रहा था। इन सब रीजन का क्यूमुलेटिव नतीजा ये निकला कि मुझे स्ट्रेस नॉट्स हो गई थी। व्हेन ही एग्जामिन्ड ही सेड कि मेरे राइट साइड में तो बहुत बड़ी नॉट है यहाँ पे, फिर ये धीरे धीरे कम होती जाती, फिर एक नॉट यहाँ पर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब मैं अपना हाथ पूरा पीछे लेके जा रहा हूँ जैसे आप मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा,
अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि हम दो सेशन में कर चुका हूँ प्लस मैं सिखाई कर रहा हूँ तो दीज आर कमिंग डाउन सो द मोमेंट द फिजियोथेरेपिस्ट कम्स विल स्टार्ट विद द सेशन. उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमने आप लोगों को याद होगा एक ब्लॉग में मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि कौन सी फिटनेस ट्रैकर जो है सबसे अच्छी चल रही है सबसे अच्छी है मुझे बताइएगा मैं जरूर लूंगा. मैंने अपनी फिटनेस ट्रैकर ले ली है वो फाइनली मेरे हाथ में आ जाएगी आज शाम तक और फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि मैंने कौन सी फिटनेस ट्रैकर ली है. आप लोगों में से ही दो या तीन लोगों ने वो फिटनेस ट्रैकर मुझे सजेस्ट किया था तो इसलिए मैंने बोली. ठीक है इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले ब्लॉग में. तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा. हाँ स्ट्रेस कम लीजिएगा अपनी बॉडी को करेक्ट पोस्चर में रखिएगा. प्लीज डोंट हैव बैड ईटिंग हैबिट्स. प्लीज डोंट हैव बैड स्लीपिंग हैबिट्स. रात को हो सके तो अपना फोन मत यूज कीजिए 10 या 11 बजे के बाद. अपना ध्यान रखिए क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता था कि मेरे को किस चीज़ का स्ट्रेस है भाई मैं तो सब लाइफ में सही जा रहा है लेकिन अननोइंगली हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा. ठीक है मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले ब्लॉग में. तब तक स्टे सेफ स्टे हैप्पी बाय.